प्रिय बच्चों, जय हिंद। आज हम पाठ्यपुस्तक स्वाति कक्षा 12वीं विषय हिंदी विशिष्ट गद्यखंड पाठ 3 नए मेहमान नामक एकांकिका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आइए, अब हम नए मेहमान नामक एकांकी के लेखक परिचय भी प्राप्त करते हैं। इसके लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। नाटककार के रूप में अपनी छवि बनाने वाले उदय शंकर भट्ट का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में 3 अगस्त सन 1898 को हुआ। 14 वर्ष की अवस्था में ही इनके सिर से माँ बाप का साया उठ गया था। इन्होंने संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। 1923 ईस्वी में जीविका की तलाश में वे लाहौर चले गए। वहाँ एक विद्यालय में हिंदी और संस्कृत के अध्यापक बने। देश का बंटवारा होने पर ये दिल्ली आए और आकाशवाणी में सलाहकार नियुक्त हुए। कुछ वर्ष वे नागपुर और जयपुर रेडियो केंद्रों पर प्रोड्यूसर के पद पर रहे। सेवानिवृत्त होकर स्वतंत्र रूप से कहानी, उपन्यास, आलोचना और नाटक लिखते रहे। 22 फरवरी सन 1966 को उदय शंकर भट्ट परलोक गमन कर गए। कविता के अतिरिक्त भट्ट जी ने एकांकी और नाटक लिखे हैं। समस्या का अंत, पर्दे के पीछे, अभिनय एकांकी, अस्तोदय तथा 4 एकांकी इनके एकांकी संग्रह हैं। ये कृतियाँ इस बात की प्रमाण हैं कि भट्ट जी रंगमंच एवं रेडियो की शिल्प विधि से अच्छी तरह अवगत थे। इसका सम्यक ज्ञान उनके ऐतिहासिक, पौराणिक और सामाजिक नाटकों में किए गए प्रयोगों से प्राप्त होता है। युग की प्रवृत्तियों और सामाजिक परिवर्तनों से उन्होंने सदैव संगति बनाए रखी। यह परिदृश्य उनके पौराणिक कथाओं पर आधारित नाटकों में भी देखा जा सकता है, जहां वे युग के अनुरूप मान्यताओं और चरित्र सृष्टियों की रचना करते हैं। रेडियो से प्रसारण की दृष्टि से उनके गीत नाट्य अत्यधिक सफल हुए हैं। बच्चों आइए, अब हम केंद्रीय भाव का भी अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। उदय शंकर भट्ट हिंदी साहित्य की नाटक विधा के कुशल रचनाकार हैं। भट्ट जी के एकांकी सामाजिक एकांकी हैं। उन्होंने अपने नाटकों के लिए निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की समस्याओं को आधार बनाया है। प्रस्तुत एकांकी भी इसी श्रेणी में आता है। इस एकांकी में नाटककार ने एक बड़े नगर के छोटे और साधारण मोहल्ले में रहने वाले एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की परिस्थिति का चित्रण एक छोटी सी घटना के माध्यम से किया है। गर्मियों की एक रात में जब इस परिवार के सदस्य अपने किराए के घर में स्थान संकोच के कारण गर्मी की तीव्रता से स्वयं परेशान थे, उसी समय 2 मेहमान उनके यहाँ आ जाते हैं। ये मेहमान नितांत अपरिचित हैं। उनकी अस्त व्यस्त जीवन शैली से पूरा परिवार अवाक है, किंतु गृहस्वामी इन मेहमानों की आवभगत के लिए उद्यत रहते हैं, भले ही उन्हें इसके लिए अपने पड़ोसियों से 2-4 बातें सुनना पड़ रही हैं। गृहस्वामी विश्वनाथ की पत्नी रेवती इन असमय आए मेहमानों से अधिक परेशान हैं। उनके सिर में सूल है। विश्वनाथ जी के बार बार आग्रह करने पर भी वे भोजन बनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मेहमान अपरिचय के सेतु के दोनों सिरों को परिचय के आधार से मिलाने के व्यर्थ प्रयास करते रहते हैं और विश्वनाथ जी से अपनी निकटता सिद्ध करना चाहते हैं। यद्यपि एकांकी के अंतिम चरण में यह स्पष्ट हो जाता है कि ये मेहमान ब्रह्मवश ही विश्वनाथ के घर चले आए, किंतु जब अर्धरात्रि व्यतीत हो जाने पर रेवती का भाई उनके घर आता है, तब रेवती गर्मी की उमस और सिर सूल को भूलकर तुरंत
भोजन बनाने के लिए उद्यत हो जाती हैं। नाटक में एक साथ इस परिवार की उत्सुकता, व्यवस्था, असमर्थता और संवेदनशीलता का प्रस्तुतिकरण है, किंतु अंतिम चरण में रेवती की बदली मानसिकता के माध्यम से नाटककार ने व्यंग के द्वारा व्यक्तिक मनोविज्ञान को प्रकट किया है। रेवती नए मेहमानों के लिए तो रात्रि के प्रथम पहर में भी भोजन बनाने से इनकार कर देती है, किंतु भाई के लिए अर्धरात्रि में भाई के मना करने पर भी भोजन बनाने के लिए तैयार हो जाती है। एकांकी का एक स्वर हास्य स्थितियों को भी प्रकट करता है। असंबद्ध वार्तालाप इस तरह की हास्य सृष्टि में सहयोगी होते हैं। इस स्तर पर यह एकांकी प्रहसन की कोटि में पहुंच जाता है। संपूर्ण एकांकी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य के प्रदर्शन पर केंद्रित है। संवाद सरल और छोटे छोटे वाक वाले हैं, इसलिए इनमें संप्रेषणीयता है। मंच की दृष्टि से भी यह एकांकी सफल है। आइए अब हम इस नए मेहमान नामक एकांकी के पात्र परिचय प्राप्त कर लेते हैं। विश्वनाथ गृहस्वामी हैं, नन्हेमल और बाबूलाल अतिथि हैं, प्रमोद और किरण विश्वनाथ के बच्चे हैं, आगंतुक रेवती का भाई, रेवती विश्वनाथ की धर्मपत्नी हैं। स्थान भारत का कोई बड़ा नगर, समय गर्मी की रात के 8 बजे हैं। उपक्रम गर्मी की ऋतु, रात के 8 बजे का समय, कमरे के पूर्व की ओर 2 दरवाजे, दक्षिण का द्वार बाहर आने जाने के लिए, पश्चिम का द्वार भीतर खुलता है, उत्तर की ओर एक मेज है जिस पर कुछ किताबें और अखबार रखे हैं, पास ही 2 कुर्सियां रखी हैं, पश्चिम के द्वार के पास एक मेज पर रखा हुआ पुराना पंखा चल रहा है जिससे बहुत कम हवा आ रही है, कमरा बेहद गर्म है, मकान एक साधारण ग्रस्त का है, पलंग के पास 4-5 साल का एक बच्चा सो रहा है, पंखे की हवा केवल उस बच्चे को लग रही है, फिर भी वह पसीने से तर है, इसलिए वह कभी कभी बेचैन हो उठता है, फिर से सो जाता है। मेज पर रखा हुआ पुराना पंखा चल रहा है जिससे बहुत कम हवा आ रही है। कुर्ता धोती पहने एक व्यक्ति प्रवेश करता है, पसीने से उसके कपड़े तर हैं, कुर्ता उतारकर वह खूंटी पर टांग देता है और हाथ के पीछे से बच्चे को हवा करता है। उसका नाम है विश्वनाथ, उम्र 45 वर्ष, गठा हुआ शरीर, गेहुआ रंग, मुख पर गंभीरता तथा सुसंस्कृति के चिन्ह हैं। प्रिय बच्चों, इस एकांकी में एकांकी कारण है एक बड़े नगर के छोटे और साधारण मोहल्ले में रहने वाले एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की परिस्थिति का चित्रण किया है। गर्मी का दिन है, किराए के मकान में हवा पानी की उत्तम व्यवस्था नहीं है। आज भी बड़े शहरों तथा महानगरों की किराए के मकान में अनेक ज्वलंत समस्याएं होती हैं। एकांकी कारण इसे एक छोटी सी घटना के माध्यम से इन ज्वलंत समस्याओं की ओर हम सबका ध्यान आकृष्ट करने का स्तुत्य प्रयास किया है। तो प्रिय बच्चों, आइए ऐसी परिस्थितियों को नए मेहमान नामक एकांकी के पात्रों तथा उनकी भूमिका के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। विश्वनाथ, ओह बड़ी गर्मी है, पंखा जोर जोर से करने लगता है, इन बंद मकानों में रहना कितना भयंकर है, मकान है कि भट्टी? पश्चिम की ओर से एक स्त्री प्रवेश करती है। रेवती कहती है आंचल से मुंह का पसीना पोंछती हुई, पत्ता तक नहीं हिल रहा है,
जैसे सांस बंद हो जाएगी, सिर फटा जा रहा है और फिर सिर दबाती है। तब विश्वनाथ कहते हैं, पानी पीते पीते पेट फूला आ रहा है और प्यास है कि बुझने का नाम नहीं लेती। अभी 4 गिलास पानी पीकर आया हूँ, फिर भी होंठ सूखे जा रहे हैं। 1 गिलास पानी और पिला दो, ठंडा तो होगा। तब रेवती कहती है कि गर्म है, आंगन में घड़े में भी तो पानी ठंडा नहीं होता, हवा लगे तब तो ठंडा हो। जाने कब तक इस जेल खाने में सड़ना होगा। तब प्रत्युत्तर में विश्वनाथ कहते हैं कि मकान मिलता ही नहीं, आज 2 साल से दिन रात एक करके ढूंढ रहा हूँ। हाँ, पानी तो ले आओ, जरा गला ही तर कर लूँ। तब रेवती कहती है कि बर्फ़ ले आते हैं, पर बर्फ़ भी कोई कहाँ तक पिए। इसके जवाब में विश्वनाथ कहते हैं कि बर्फ़ का पानी पीने से क्या फ़ायदा, प्यास जैसी की तैसी बल्कि दुगनी लगती है। ओह, लो पंखा ले लो, बच्चे क्या ऊपर हैं। तब रेवती कहती है कि रहने दो, तुम ही करो, छत इतनी छोटी है कि पूरी खाटें भी तो नहीं आती। एक खाट पर 2-3 बच्चे सोते हैं तब भी पूरा नहीं पड़ता। तब विश्वनाथ बोलते हैं कि एक ये पड़ोसी हैं निर्दयी, जो खाली छत पड़ी रहने पर भी बच्चों के लिए एक खाट नहीं बिछाने देंगे। तब रेवती कहती है कि वे तो हमें मुसीबत में देखकर प्रसन्न होते हैं। उस दिन मैंने कहा तो लाला की औरत बोली, क्या छत तुम्हारे लिए है, नगद 50 देते हैं। तब 4 खाटों की जगह मिली है। ना बाबा, यह नहीं हो सकेगा, मैं खाट नहीं बिछाने दूंगी, सब हवा रुक जाएगी, उन्हें और किसी को सोता देखकर नींद नहीं आती। विश्वनाथ कहते हैं कि पर बच्चों के सोने में क्या हर्ज है, जरा आराम से सो सकेंगे, कहो तो मैं कहूँ। तब रेवती कहती है क्या फ़ायदा, अगर लाला मान भी लेते तो वह नहीं मानेगी, वैसे भी मैं उसकी छत पर बच्चों का अकेला सोना पसंद नहीं करूँगी। तब विश्वनाथ कहते हैं फिर जाने दो, मैं नीचे आंगन में सो जाया करूँगा, कमरे में भला क्या सोया जाएगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ यदि कोई अतिथि आ जाए तो क्या होगा। तब रेवती कहती है ईश्वर करे इन दिनों कोई मेहमान ना आए, मैं तो वैसे ही गर्मी के मारे मर रही हूँ, पिछले 15 दिन से दर्द के मारे सिर फट रहा है, मैं ही जानती हूँ जैसे रोटी बनाती हूँ। तब विश्वनाथ कहते हैं सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो, यहाँ की गर्मी से तो ईश्वर बचाए, इसलिए यहाँ गर्मियों में सभी संपन्न लोग पहाड़ों पर चले जाते हैं। तब रेवती कहती है चले जाते होंगे, गरीबों की तो मौत है। रेवती जाती है, बच्चा गर्मी से घबरा जाता है, विश्वनाथ जोर जोर से पंखा करता है। विश्वनाथ कहते हैं इन सुकुमार बालकों का क्या अपराध है, इन्होंने क्या बिगाड़ा है, तमाम शरीर मारे गर्मी के उबल उठा है। रेवती पानी का गिलास लेकर आती है और कहती है बड़े का तो अभी तक बुरा हाल है, अब भी कभी कभी देह गर्म हो जाती है। तब विश्वनाथ कहते हैं पानी पीकर उसने क्या कम बीमारी भोगी है, पूरे 3 महीने तो पड़ा रहा, वह तो कहो मैंने उसे शिमला भेज दिया नहीं तो ना जाने। तब रेवती कहती है भगवान ने रक्षा की, देखा नहीं सामने वालों की लड़की को फिर से टाइफाइड हो गया और वह चल बसी। तुम कुछ दिनों की छुट्टी क्यों नहीं ले लेते, मुझे डर है कहीं कोई बीमार ना पड़ जाए। तब विश्वनाथ कहते हैं कि छुट्टी कोई दे तब ना, छुट्टी ले भी लूँ तो खर्च चाहिए, खैर तुम आज जाकर ऊपर सो जाओ, मैं आंगन में खाट डालकर पड़ा रहूँगा, बच्चों को ले जाओ, यह गर्मी में भून रहा है। प्रीति कहती है कि यह नहीं हो सकता, मैं नीचे सो जाऊँगी, तुम ऊपर छत पर जाकर सो जाओ, और ऊपर भी क्या हवा है, चारों तरफ
दीवारें तप रही हैं, तुम ही जाओ ऊपर। विश्वनाथ कहते हैं कि यही तो तुम्हारी बुरी आदत है, किसी का कहना ना मानोगी, बस अपनी ही हाँ के जाओगी। 15 दिन से सिर में दर्द हो रहा है, मैं कहता हूँ खुली हवा में सो जाओगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी। तब रेवती कहती है कि तुम तो व्यर्थ की जिद करते हो, भला यहाँ आंगन में तुम्हें नींद आएगी? बंद मकान हवा का नाम नहीं, रात भर नींद ना आएगी। सवेरे काम पर जाना है, जाओ, मेरा क्या है, पड़ी रहूँगी। तब विश्वनाथ बोलते हैं कि नहीं, यह नहीं हो सकता, आज तो तुम्हें ऊपर सोना पड़ेगा, वैसे भी मुझे कुछ काम करना है। तब रेवती कहती है ऐसी गर्मी में क्या काम करोगे, तुम्हें भी ना जाने क्या धुन सवार हो जाती है, जाओ सो जाओ, मैं आंगन में खाट पर इसे लेकर जैसे तैसे रात काट लूँगी, जाओ। प्रत्युत्तर में विश्वनाथ कहते हैं अच्छा तुम जानो, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था, मैं ही ऊपर जाता हूँ, बाहर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है। रेवती कहती है कौन होगा? तब विश्वनाथ कहते हैं ना जाने, देखता हूँ। रेवती कहती है हे भगवान, कोई मुसीबत ना आ जाए। बच्चे को पंखा करती है, बच्चा गर्मी के मारे उठ बैठता है और पानी मांगता है। वह बच्चे को पानी पिलाती है, पंखा करती है। इसी समय दो व्यक्तियों के साथ विश्वनाथ प्रवेश करता है। रेवती बच्चे को लेकर आंगन में चली जाती है। आगंतुक एक साधारण बिस्तर तथा एक संदूक लेकर कमरे में प्रवेश करते हैं। विश्वनाथ भी पीछे पीछे आता है। कमीजों के ऊपर काली बंडी, सिर पर सफ़ेद पगड़ियाँ, बड़ी की अवस्था 35 और छोटी की 24 है। रंग सांवला, बड़ी की मूछें मुँह को घेरे हुए, माथे पर सिलवट, छोटी की अधकटी मूछें, लंबा मुख और बड़े बड़े दांत, दोनों मैली धोतियां पहने हैं। बड़े का नाम नन्हेमल और छोटे का बाबूलाल है। इस हबड़ धबड़ में दोनों बच्चे ऊपर से उतर कर आते हैं और दरवाजे के पास खड़े होकर आगंतुकों को देखते हैं। बड़े लड़के से विश्वनाथ कहते हैं कि प्रमोद जरा कुर्सी इधर खिसका दो। दूसरी अतिथि से आप इधर खाट पर आ जाइए, जरा पंखा तेज कर देना। किरण, किरण पंखा तेज करता है किंतु पंखा वैसे नहीं चलता है। तब नन्हेमल कहते हैं पगड़ी के पल्ले से मुँह का पसीना पोंछकर उसी से हवा करता हुआ, बड़ी गर्मी है, क्या कहें पंडित जी, पैदल चले आ रहे हैं, कपड़े तो ऐसे हो गए कि निचोड़ लो। विश्वनाथ बोलते हैं जी आप लोग? तो बाबूलाल ने कहा चाचा मेरे कपड़े निचोड़ कर देख लो, एक लोटे से कम पसीना नहीं निकलेगा, धोती ऐसी चर्रा रही है जैसे पुरानी हो, पिछले दिनों नगद 9 रुपया खर्च करके खरीदी थी। तब नन्हेमल कहते हैं मोतीराम की दुकान से ली होगी, बड़ा मक्कार है, मैंने भी कुर्तों के लिए 6 गज मलमल मोल ली थी, 1.25 रुपये गज थी, जबकि नत्थालाल के यहाँ 9.5 आने गज बिक रही थी। पंडित जी गला सूखा जा रहा है, स्टेशन पर पानी भी नहीं मिला, मन करता है लेमन की 5-6 बोतलें पी जाऊँ। तब बाबूलाल कहते हैं मुझे कोई पिलाकर देखे, 10 से कम नहीं पीऊँगा। बच्ची की ओर देखकर क्या नाम है तुम्हारा भाई? प्रमोद कहता है प्रमोद, किरण। बाबूलाल कहते हैं ठंडा ठंडा पानी पिलाओ दोस्त, प्राण सूखे जा रहे हैं। तब विश्वनाथ कहते हैं देखो प्रमोद, कहीं से बर्फ मिले तो ले आओ आप लोग। नन्हेमल कहते हैं अपना लोटा कहाँ रखा है, थैले में ही है ना? बाबूलाल कहते हैं बिस्तर में होगा चाचा, निकालूं क्या? और तो और बिस्तर भी पसीने से भींग गया है। चाचा मैं तो पहले नहाऊंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। हाँ नहीं तो मुझे नहीं मालूम था यहाँ इतनी गर्मी है। नन्हेमल देखते जाओ। हाँ साहब। तब विश्वनाथ कहते हैं क्षमा कीजिएगा, आप कहाँ से पता रहे हैं? नन्हेमल बोलते हैं अरे आप नहीं जानते, वह लाला संपत राम हैं ना, गोटे वाले, वह मेरे चचेरे भाई हैं,
क्या बताएं साहब, उन बेचारों का कारोबार सब चौपट हो गया। हम लोगों के देखते देखते वह लाखों के आदमी खाक में मिल गए। बाबू लो यह मेरी बंडी संदूक में रख दो। विश्वनाथ कहते हैं, कौन संपत राम? मैं संपत राम को नहीं जानता। तब नन्हेमल कहते हैं, संपत राम को जानने की क्यों, वह तो आपसे मिले हैं, आपको तो वह। तब बाबूलाल कहते हैं, हाँ उन्होंने कई बार मुझसे कहा है, आपकी तो वह बहुत तारीफ करते हैं। पंडित जी क्या मकान इतना ही बड़ा है? नन्हेमल कहते हैं, देख नहीं रहे, इसके भी पीछे एक कमरा दिखाई देता है। पंडित जी इसके पीछे आंगन होगा और ऊपर छत होगी, शहर में तो ऐसे ही मकान होते हैं। तब किरण कहती है विश्वनाथ से, माँ पूछती है खाना। तो नन्हेमल कहते हैं, क्यों बाबूलाल? पंडित जी कष्ट तो होगा पर तुम जानो, खाना दो। बाबूलाल, बस एक साग और पूरी। तो नन्हेमल कहते हैं, वैसे तो मैं पराठे भी खा लेता हूँ। बाबूलाल कहते हैं, अरे खाने की भली चलाई, पेट ही भरना है, शहर में आए हैं तो किसी को तकलीफ थोड़ी ही देंगे। देखिए पंडित जी, जिसमें आपको आराम हो, हम तो रोटी भी खा लेंगे, कल फिर देखी जाएगी। नन्हेमल, भूख कब तक नहीं लगेगी, सारा दिन तो गया। तब बाबूलाल कहते हैं, नहाने का प्रबंध तो होगा पंडित जी? प्रमोद बर्फ का पानी लाता है। तब नन्हेमल कहते हैं, हाँ भैया ला तो जरा, मैं तो डेढ़ लोटा पानी पीऊँगा। तब बाबूलाल कहते हैं, उतना ही मैं भी। दोनों गट गट पानी पीते हैं। किरण कहते हैं विश्वनाथ से धीरे से, फिर खाना। तो विश्वनाथ बोलते हैं इशारे से, ठहर जा जरा। नन्हेमल कहते हैं पानी पीकर, आह अब जान में जान आई, सचमुच गर्मी में पानी ही तो जान है। बाबूलाल कहते हैं, पानी भी खूब ठंडा है, वाह भैया खुश रहो। नन्हेमल कहते हैं, कितने सीधे लड़के हैं। बाबूलाल भी कहते हैं, शहर के हैं ना। विश्वनाथ बोले, क्षमा कीजिए मैंने आपको। दोनों, अरे पंडित जी आप कैसी बात करते हैं, हम तो आपके पास के हैं। विश्वनाथ, आप कहाँ से आए हैं? नन्हेमल, बिजनौर से। तब विश्वनाथ बोलते हैं आश्चर्य के साथ, बिजनौर से? बिजनौर में तो मैं गया हूँ किंतु। तब नन्हेमल कहते हैं, मैं जरा नहाना चाहता हूँ। बाबूलाल भी बोले, मैं भी स्नान करूँगा। तो विश्वनाथ कहते हैं, पानी तो नल में शायद ही हो, फिर भी देख लो। प्रमोद इन्हें नीचे नल पर ले जाओ। बाबूलाल कहते हैं, तब तक खाना भी तैयार हो जाएगा। दोनों बाहर निकल आते हैं, रेवती का प्रवेश होता है। रेवती कहती हैं, यह लोग कौन हैं, जान पहचान के तो मालूम नहीं पड़ते। तो विश्वनाथ कहते हैं, ना जाने कौन हैं। रेवती कहती है, पूछ लो ना। तो विश्वनाथ बोलते हैं, क्या पूछूं, दो तीन बार पूछा ठीक ठीक उत्तर ही नहीं देते। रेवती कहती है, मेरा तो दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है, इधर पिछली शिकायत फिर बढ़ती जा रही है। पहले सोते सोते हाथ पैर सुन्न हो जाते थे, अब बैठे बैठे हो जाते हैं। विश्वनाथ कहते हैं, क्या बताऊं, जीवन में तुम्हें कोई सुख ना दे सका, नौकर भी नहीं टिकता है, समय सीमा का बंधन होता है, इसलिए। नए मेहमान के शेष भाग दो में अध्ययन करेंगे। अंत में मैं रूप सिंह कुशराम, व्याख्याता हिंदी, मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल टीटी नगर भोपाल से एक बार पुनः आप सभी को जय हिंद।